Hoji number one. ब्रेक के बाद रोल इनके बहुत बहुत स्वागत कर रहा बनी राव ही पसंदीदा प्रोग्राम में और हम प्रेजेंट्स भौजी नंबर वन सीजन चार पावर्ड बाय रूप ऑफ फ्रंट लाइन। चार चार क्वेश्चन और सब सही सवाल पर सही जवाब पर पांच पांच अंक के प्राप्ति। आए सभी भौजी इनके साथ खेला तानी अपन अगला राउंड कौन कितना पानी में। स्टार्ट हम पासपोर्ट रसीली जी रहुआ सेलेम। निम्न में से आंखों में बंधी पट्टी और हाथ में तराजू किसका प्रतीक है। सादगी का, अन्याय का, न्याय का या सैतानी का। अन्याय का। अन्याय का यार गलत जवाब। अंधा कानून न्याय का। हाँ। न्याय का देखिए आंख पे पट्टी रहला हाथ में तराजू रहला और ये प्रतीक बा न्याय का। दूसरा प्रश्न भाभी जी ध्यान से। यदि मैं रणभूमि में श्री कृष्ण से अस्त्र ना उठवा लूं तो अपने पिता का पुत्र नहीं, यह प्रण किसने लिया था। ऑप्शन बा द्रोणाचार्य, भीष्म, दुशासन या कर्ण। कर्ण ने। गलत जवाब। यदि मैं रणभूमि में श्री कृष्ण से अस्त्र ना उठवा लूं तो अपने पिता का पुत्र नहीं, भीष्म पितामह। तीसरा प्रश्न। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उसका बहुत ही अच्छा फल मिलता है, वो कौन सा दिन है। ऑप्शन बा जन्माष्टमी, तीज, अक्षय तृतीया या नवरात्र। नवरात्र। गलत जवाब जी प्लीज जी। अक्षय तृतीया सही जवाब। अगला सवाल। भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन बा 14 नवंबर, 20 नवंबर, 14 दिसंबर या 25 दिसंबर। 14th नवंबर। 14 नवंबर सही जवाब। जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन वही पे बाल दिवस मनावल जाला। पांच अंक रहुआ यहाँ मिलल। भाभी जी अब राउर बारी बा रूपा फ्रंटलाइन झुमरी भाभी जी। पहला सवाल बा रहुआ से। चक्र कौन चीज के प्रतीक है। असफलता के, रुके रहे के, प्रगति के या ईमानदारी के। जो दूसरा बोला है वो रुके रहने की बात, वो चलने प्रगति की बात। हाँ सही सही जवाब था। भाभी जी तीसरा प्रश्न रहुआ से बा डांस में रहुआ चूंकि अच्छा बानी रहुआ से प्रश्न बा। केरल में सबसे ज्यादा प्रचलित नृत्य डांस क्या है। कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी या भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी। गलत जवाब। कथकली सही जवाब बा। कथकली वहां पे बड़ा फेमस बा। चौथा सवाल भाभी जी रहुआ से। उस्ताद बिस्मिल्ला खान नाम सुन ले बानी बिस्मिल्ला खान जी के, तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। कौन सा वाद्य यंत्र बजावत रहले। बांसुरी, पखावज, सितार या शहनाई। शहनाई सही जवाब। बड़ा शानदार ढेला मरनी है रुआ एकदम। भाभी जी और रंगीली जी राउर बारी बा। पहला सवाल रुआ से बा। निम्न में से कौन राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर हैं। जयप्रकाश नारायण, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा प्रश्न। मोहिनी अट्टम मूल रूप से किस राज्य में जन्म और विकसित हुआ लोक नृत्य है। मोहिनी अट्टम एक लोक नृत्य है जी। तो एकर जन्म और विकास कहां भइल बा। केरल में, आंध्र प्रदेश में,
उड़ीसा में या तमिलनाडु में? तमिलनाडु। गलत जवाब बा। इढेला थोड़ा सा केरल जाए के चाहत रहे लेकिन तमिलनाडु चल गई। तीसरा प्रश्न, रतौंधी नामक आंखों की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन बा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। विटामिन ए। सही जवाब। रतौंधी हो जाला लोग के विटामिन ए के कमी से, रात के दिखल बंद हो जाला। चौथा प्रश्न भाभी जी रउआ से बा, प्रथम भारतीय महिला आईपीएस का क्या नाम है? कल्पना चावला जी, किरण बेदी जी, अन्ना चार्ज जी या पद्मा बंदोपाध्याय? किरण बेदी। सही जवाब। रउआ तीन को जवाब सही देनी है, 15 अंक रउआ यहाँ मिलल बा। भाभी जी अब राउर बारी बा, पहला सवाल बा रउआ से जी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू? सुभाष चंद्र बोस। गलत जवाब है, महात्मा गांधी जी ने यह नारा दिया था। चलिए दूसरा प्रश्न रउआ से पूछा था नहीं, कुतुब मीनार कहाँ है? पटना, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली? नई दिल्ली। सही जवाब। भाभी जी बिल्कुल सही जवाब देनी है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनको कुतुब मीनार को बनवाया था और उसके बगल में भी एक और कुतुब मीनार जैसे इमारत बने के कोशिश भइल रहे लेकिन वो बन ना पाइल रहे। तीसरा प्रश्न, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी, वेद व्यास जी, सूरदास जी या तुलसीदास जी? तुलसीदास जी। सही जवाब। रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। आखिरी प्रश्न भाभी जी रउआ से, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? शेर, बाघ, नीलगाय या हिरन? बाघ। सही जवाब। कै गो जवाब सही देनी है? 3। 15। एक जवाब गलत भइल रउआ से, यानी कि कौन कितना पानी में राउंड यहाँ पे समाप्त हो रहल बा। और अब अपन पूछताछ केंद्र, अपन जज लोगन के पास। मैं आज बहुत खुश हुआ कि हमारी जितनी यहाँ कंटेस्टेंट आई हैं जी भौजी, सबने बड़े अच्छे उत्तर दिए। मनोरंजन के साथ साथ में उन्होंने जो अपने जीवन के कुछ ऐसे क्षण भी हमसे शेयर किए सबके साथ में, जो वो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बहुमूल्य थे। कुल मिला करके मुझे बहुत अच्छा लगा और अच्छा लगता हमेशा, और मैं आशा करता हूँ कि ये प्रोग्राम इसी तरीके से ऊँचाइयाँ पकड़ता रहे। आए भौजाई लोगन के स्कोर बता देता नहीं, और हम रंगीली यानी कि ममता भाभी 70 रंग, फोटो छबीली मिंचू भाभी 50 नंबर रुआ मिला, रूपा फ्रंटलाइन छबरी भाभी जी, दीपिका भाभी जी 80 अंक, पासपोर्ट रसीली यानी कि गुड्डी भाभी 5 में 5 फर्स्ट रंग।